So, class 9, this is the end of our chapter. Okay, now we will take a look at the revision of this chapter. What type of questions can be asked from this question from this chapter? Okay. So first we have seen that drainage, what is drainage basin, and what is water divide. All right. After that, we have seen about the two major river system of India, Himalayan River and Panchala River. Now the question can be put that differentiate between these two river system, Himalayan River and the Panchala. So what is the difference between these two? Okay, take a look again. Originate from snow-covered mountain. Okay, they originate from snow glaciers and they originate from Peninsula Plateau. They have large basin and have catchment area. They have small basin, small catchment area. The rivers are perennial, they are seasonal, and these rivers form large deltas near their mouth and they form estuaries or small deltas. तो रिवर जो है दो तरह की भारत में, हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर, उनमें बीच उनके बीच में क्या आपको डिफरेंस दिखाई देता है? हिमालयन रिवर जो है उसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से कि ये स्नो कवर्ड माउंटेन से निकलती हैं, ऐसे पहाड़ों से निकलती है जहां पर सारा साल बर्फ गिरी रहती है, ग्लेशियर्स होते हैं वहां से ये निकलती है हिमालय से। वहीं पेनिनसुला रिवर जो है वो प्लेटू से ओरिजिनेट होती है जहां पर बारिश वगैरह का पानी इन नदियों को बनाता है। ओके, हिमालयन रिवर के पास बड़ा बेसिन होता है, बड़ा डेल्टा होता है, पेनिनसुला के पास स्मॉल डेल्टा या स्मॉल बेसिन होता है। हिमालयन रिवर पेरेनियल है, बारहमासी है, पेनिनसुला जो है वो सीजन में ही आपको दिखाई देगी, नेचुरल जो इनका वो फ्लो है वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही आपको दिखाई देगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर। हिमालयन रिवर एग्जाम्पल, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा, पेनिनसुला रिवर में आप ऐड कर सकते हैं गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा तापी। द हिमालयन रिवर्स, यहाँ पर हिमालयन रिवर्स के बारे में हम देखते हैं एक बार, टेक अ क्विक लुक। नाउ वी हैव थ्री मेजर रिवर सिस्टम दैट इज कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। लेक रिवर इंडस, इट इज राइज नियर मानसरोवर, लेक मानसरोवर है वहां से ओरिजिनेट होती है, जास्कर नुब्रा श्योक सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इस नदी की लेंथ है 2900 किलोमीटर। गंगा रिवर सिस्टम फेड बाई गंगोत्री नोन एज भागीरथी, भागीरथी की तौर पर इसकी शुरुआत होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर अलकनंदा को ज्वाइन करती है, आगे फिर यमुना नदी को ज्वाइन करती है, उसके बाद घाघरा गंडक कोसी यमुना चंबल बेतवा सोन इन नदियों को ज्वाइन करते हुए फाइनली अपने बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इस नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा रिवर सिस्टम। 5 मार्क्स क्वेश्चन पुट अप होगा किसी भी एक रिवर से, तो हर एक रिवर के बारे में आप ऐसे बेसिक फैक्ट्स पता रखें। इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं, अगर आपको ज्यादा लेंदी लग रहा है तो टेबल में और शॉर्ट में ही हो जाएगा और आप इसको इजिली रिवाइज कर पाएंगे। नाउ टेक अ लुक एट द ब्रह्मपुत्र, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक। ओके, ईस्टर्न साइड ऑफ मानसरोवर लेक, इंडस निकलती है वेस्ट साइड से, ब्रह्मपुत्रा निकलती है ईस्ट साइड से। ओके, इसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग लोहित कैनुला, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और इसकी लेंथ के बारे में कंफ्यूजन है, इसकी क्लियर नहीं है लेंथ। इसकी लेंथ बताई जाती है 2900 किलोमीटर से 3400 किलोमीटर तक ये बताई जाती है, बट मोस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र आउट ऑफ इंडिया बहती है, तो इस वजह से इसकी लेंथ इंडिया में बहुत ही कम है, जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और फिर आसाम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द पेंसुला रिवर। पेंसुला रिवर जो है वो दो रिवर्स में डिवाइड की जाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? वही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे आर द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। They drain into Bay of Bengal, form deltas on east coast, have a developed and large tributary system. West flowing river में नर्मदा तापी, okay, drain into Arabian Sea, do not form any delta, they form estuaries, are devoid of any developed tributary system. ऐसा difference क्यों आपको दिखाई देता है? Because west flowing river जो है वो कहाँ से निकलती है? East से, यानी eastern घाट छोटे हैं, western घाट्स high हैं। तो उनकी हायर होने की वजह से ये नदियां जो हैं आपको ज्यादा बड़ी दिखाई देंगी और इनका यहाँ पर ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी काफी अच्छा दिखाई देगा और इनके डेल्टास भी आपको बड़े दिखाई देंगे, बिकॉज वेस्ट से निकलने वाली रिवर हायर स्लोप से आती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है
वो वेस्टर्न हायर स्लोप से आती है, और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो ईस्टर्न के लोअर स्लोप से आती है। तो ये रीजन है कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आर आपको ज्यादा दिखाई देंगी पेनिनसुला प्लेट्यू में। आफ्टर दैट टेक अ लुक, क्विक लुक एट द पेंजुला रिवर, नर्मदा बेसिन राइज इन अमरकंटक, महा मध्य प्रदेश, तापी, बैतूल मध्य प्रदेश, गोदावरी, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बिगेस्ट रिवर नोन एज दक्षिण गंगा, महानदी बेसिन 860 किलोमीटर लॉन्ग, राइज इन छत्तीसगढ़। ओके, कृष्णा बेसिन 1400 किलोमीटर लॉन्ग, राइज स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, कावेरी ओरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। इसके अलावा और छोटी नदियां हैं दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा। तो ये रिवर्स हैं जो पेनिनसुला रिवर में आती है। तो इसका आप लिख लीजिए यहाँ पे राइजेज इन छत्तीसगढ़। नाउ वी टॉक अबाउट द लेक्स। लेक्स आर द परमानेंट व्हाइल अदर हैव ओनली वॉटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। सम लेक्स आर रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर्स एंड सम मे बी फॉर्म्ड बाय रिवर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। द डैमिंग ऑल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेक। लेक हेल्प अस इन मैनी वे, दे क्रिएट अ सीनिक ब्यूटी, हेल्प इन डेवलपिंग टूरिज्म, मॉडरेट क्लाइमेट, फिशिंग। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ लेक। सो लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन्स वेयर वाटर स्कैरसिटी इज देयर। दैट इज वाई यू विल सी उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक, क्योंकि वहां के राजा ने उदयपुर में इतनी झीलें इसलिए बनवाई थी क्योंकि वहां पे पानी की कमी रहती थी। तो जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए वहां पे झीलें बनाई गई। नाउ रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में? बहुत ही बड़ा रोल है। दे आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर फॉर आर डेली नीड, फॉर आर एग्रीकल्चर, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर आर कंस्ट्रक्शन। दे ऑल्सो अट्रैक्टेड सेटलमेंट। ओके, शुरू से ही इंसानों ने नदियों किनारे ही अपनी बस्तियां बसाई हैं। एंड रिवर आर यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, एंड दे ऑल्सो फुलफिल द नीड ऑफ आर इरिगेशनल वर्क, नेविगेशनल एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट जनरेशन। रिवर पोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ टॉक। द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द रिवर पोल्यूशन। ओके, एंड द रीजन बिहाइंड द अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। दैट इज वाई वी हैव लॉन्च वेरियस एक्शन प्लान्स। सो नाउ टॉक टू द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज देर इज एमसीक्यू, यू कैन सी देयर, चूज द राइट आंसर। बुलर लेक कहां पर है? रिवर नर्मदा का सोर्स कहां पर है? सोल्ट वाटर लेक से किसे जाना जाता है? लॉन्गर पेनिनसुला रिवर कौन सी है इनमें से? और रिफ्ट वैली बनाती हुई इनमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है? आफ्टर दैट ब्रीफ आंसर्स हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं 20-30 वर्ड्स में। वाटर डिवाइड क्या होता है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में किसका है? इंडस और गंगा, उनका ओरिजिनल पॉइंट कहां पर है, कहां से निकलती है वो? हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, गंगा की दो बड़ी मुख्य धाराएं कौन सी हैं, वे कहां पर आकर मिलती हैं गंगा से? ब्रह्मपुत्रा तिब्बत पार्ट में कम सिल्ट लेके आती है डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। तो ये जो सारा सिल्ट है ब्रह्मपुत्रा इंडिया में जमा करती है आसाम में, तो ये तिब्बत में क्यों नहीं करती? क्योंकि तिब्बत में ज्यादा बहती है, तिब्बत में इसकी लंबाई ज्यादा है, इंडिया में कम बहती है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसका जमाव जो है रेत का, कंकर पत्थरों का, वो ज्यादा है। तिब्बत में कम कंकर पत्थर ये जमा करती है, ऐसा क्यों है? विच टू पेनिनसुला रिवर फ्लो थ्रू ट्रू। पेनिनसुला रिवर कौन सी है ऐसी दो जो ट्रू बनाते हुए फ्लो करती है? स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक्स। लेक्स और रिवर्स के इकोनॉमिक फायदे बताइए। Now after that, below the name, few lakes of India, group them under two category, natural and created by human being. तो इन लेक्स में आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है इनको। इंसान ने किन झीलों को बनाया है, नेचर ने किन झीलों को बनाया है, दो कॉलम में आप इसको लिखिए, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। इसके बाद सिग्निफिकेंट हिमालयन और पेंसुला रिवर का डिफरेंस बताइए।
ये हमने अभी डिस्कस किया है। कंपेयर ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये भी डिस्कस किया है। व्हाई आर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, ये भी अभी डिस्कस किया है। दिस इज द मैप स्किल, ये मैप स्किल आपको करना है। इन रिवर को आप ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं वहां से लेकर कहाँ पे ड्रेन करती हैं वहां तक आप इनको लोकेट करें। ओके, इसके अलावा इन लेक्स को आप लोकेट करें, रिवर एंड लेक्स, ये बोथ आपके पॉलिटिकल मैप आप इसमें यूज करें वो बेटर रहेगा आपके लिए। दिस इज योर एक्टिविटी, नेम दैम, फाइंड आउट द नेम ऑफ दीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 3 ड्रेनेज, and now we will move on to the economic chapter 1. So until then, stay safe, stay tuned, do your work. Note making, again I'm saying, is very important. Do not leave note making. आपकी कॉपी में नोट मेकिंग हो, उसके साथ साथ दिया गया होमवर्क भी आप करें। ओके, सो थैंक यू।